तो अभी हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि थर्ड टाइप का इमोशन है। तो दो टाइप के घटनाएं हो गई, अब तीसरी टाइप की घटना के बारे में बात करते हैं। तीसरी टाइप की जो घटना है उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं उद्दीपित, उद्दीपित उत्सर्जन। ठीक है, उद्दीपित या प्रेरित भी बोलते हैं कई बार इसको, प्रेरित। स्टिमुलेटेड को और भी बोलते हैं इसको इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये दो एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अपर एनर्जी लेवल में, ये है MY एनर्जी लेवल, ये nth एनर्जी लेवल है, ये mth एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसकी एनर्जी EM है, इसकी एनर्जी EN है। अब इसमें होता क्या है कि जो फोटोन है, जैसे मान लो बाहर से फोटोन आ रहा है, फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करता है, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करने से ऐसी घटना होती है कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है नीचे यहां पर। साथ ही एक तो ये जो आ रहा था यहां पे फोटोन, मतलब एक तरीके से एनर्जी आ रहा था, एक तो ये एनर्जी बाहर निकलती है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आया उसकी वजह से भी एनर्जी बाहर निकलेगी, क्योंकि यहां से यहां आएगा तो इतनी इतना जो गैप है एनर्जी का, वो एनर्जी का गैप एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहां से दो वेव निकल गई आप ऐसे समझ लो, और ये दोनों वेव कोहेरेंट होती है सेम फ्रीक्वेंसी की, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू है तो इसकी एनर्जी भी एच न्यू, इसकी भी एनर्जी एच न्यू, दोनों की एनर्जी सेम होती है, और यहां से ये जो दोनों वेव है वो कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट मतलब ये होती है कला संबद्ध, ये कला संबद्ध होती है। कोहेरेंट, और इस तरीके से अपने को कोहेरेंट लाइट मिलती है, और ये जो कोहरेंट लाइट से ये जो लाइट मिली है वो ही क्या है एक्चुअल में, लेजर लाइट है, क्योंकि लेजर लाइट में जो लाइट मिलती है वो कोहरेंट होती है, तो ये जो है कोहरेंट लाइट है। तो ये कैसे मिली, स्टिमुलेटेड एमिशन से, उद्दीपित उत्सर्जन की वजह से मिली अपने को ये। तो उद्दीपन उत्सर्जन क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है इस दूसरे फोटोन की इंटरेक्शन की वजह से, तो फोटोन के इंटरेक्शन की वजह से हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आया, इसकी वजह से एक फोटो एक एनर्जी एक वेव ये मिली, एक वेव ये मिली, दो वेव मिलती है, और ये दोनों वेव कोहेरेंट होती है, कला संबद्ध होती है। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल गया, लेजर मिल गया, ये है लेजर लाइट एक तरीके से। आई बात समझ में, तो ये तीन टाइप की हो गई। पहले पहले में क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, वहां से नीचे से ऊपर गया था, अवशोषण हुआ था। दूसरे में ये इलेक्ट्रॉन बिना फोटोन के खुद ही स्वतः यहाँ पे आ गया था, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते थे उसको, खुद ब खुद आ गया था, उसमें फोटोन का हमें नहीं लेना पड़ा था। लेकिन इस बार खुद नहीं आ रहा है, इस बार बाहर से जब फोटोन आके इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है तब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में, मतलब एन वे से एम में आ रहा है। इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस्ड, प्रेरित। प्रेरित या उद्दीपित का मतलब होता है किसी दूसरे कि हेल्प से आ रहा है, मतलब जैसे ये फोटोन आ रहा है ना, इसकी हेल्प से आ रहा है, बिना फोटोन के ये हो नहीं सकता, बिना एक्सटर्नल एनर्जी के ये कभी हो नहीं सकता ये घटना, स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं इसको। इट कांट हैपन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोटोन। ठीक है, तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन बोल रहे हैं इसको, कला सब, और यहां से अपने को लेजर मिलता है। तो ये घटना जितनी ज्यादा होगी, स्टिमुलेटेड एमिशन जितना ज्यादा होगा उतना ही अपने को लेजर लाइट ज्यादा मिलेगा, लेजर ज्यादा मिलेगा। तो लेजर एक्चुअल में यहां से बनता है। इसमें अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन के आने की, स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रॉन के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, P, यहां से यहां आ रहा एन से एम, तो इसको लिखेंगे एन से एम। पहले एम से एन जाता था तो पी एम एन लिखते थे, ये एन से एम आ रहा है, और ये डिपेंड करता है, ये समानुपाती होता है, प्रोपोर्शन होता है किसके, ये जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन के यू के, फोटोन के ऊर्जा घनत्व के, एनर्जी डेंसिटी के। तो ये एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, यू के प्रोपोर्शनल,
और इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग इसमें लिख देते हैं बी कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, और ये कांस्टेंट इसमें एन एम है तो यहाँ पे भी एन एम लिख देते हैं, ये यू न्यू ये आ गया अपने पास, क्लियर है, ये मिल गया भैया, ये स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो अपने पास में क्या हुआ, तीन घटनाएं होती है, मैं बता देता हूँ उनको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, तीन कौन कौन सी घटनाएं हुई है अपने पास में, एक तो पहला अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसको बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, एक हुआ स्वतः उत्सर्जन, स्वतः उत्सर्जन इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक थर्ड जो हुआ वो हुआ स्टिमुलेटेड एमिशन जिसको बोल रहे हैं प्रेरित या उद्दीपित, उद्दीपित उत्सर्जन इसको बोल रहे हैं क्या, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, ये क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी मिली वो मिली P, क्योंकि इसमें अवशोषण होता है तो नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले में जाता है, M से N में जाता है, ठीक है, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी M से N में जाता है तो P M N मिला, और इसमें जो कांस्टेंट आया था वो आया था B M N और U ऐसे आया था, इसका इक्वेशन ये मिला था प्रोबेबिलिटी का। स्वतः उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस एमिशन ये विदाउट हेल्प ऑफ एनी फोटोन होता है, किसी फोटोन की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही होता है तो ये किसी पे डिपेंड भी नहीं करता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है इसमें कहाँ से कहाँ आता है, स्पॉन्टेनियस ऊपर से नीचे आता है, एन से एम आता है, तो एन टू एम ये आता है, और ये कॉन्स्टेंट होता है, इसको कॉन्स्टेंट को हमने ए एन एम लिखा था, ये दूसरा मिल गया था, ठीक है। थर्ड, थर्ड जो मिला है, थर्ड क्या है, उद्दीपित उत्सर्जन, ये स्टिमुलेटेड एमिशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन में ऊपर से नीचे आता है फोटोन की हेल्प से, तो ऊपर से नीचे आता है, इसका इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये पी एन एम ये मिला, और पी एन एम जो है वो क्या है, वो बी एन एम और ये भी यू के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये यू के लिए ये तीन इक्वेशन मिल गए अपने को, तीन कि इस एनर्जी लेवल से इसमें जाने की प्रायिकता इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी है, एंड इसमें ये ऊपर से नीचे इस प्रोसेस के थ्रू आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और इस प्रोसेस के थ्रू ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इतनी प्रायिकता, इतने चांसेस हैं, ये बात समझ आ गई अपने को, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें एक और बात बताता हूँ मैं, ये जो बी एम एन है जो कॉन्स्टेंट है, ए एन एम है और ये बी एन एम है, ये जो तीनों है ये क्या है, ये आइंस्टाइन कोफिशियंट बोलते हैं, आइंस्टाइन गुणांक, ये गुणांक है तीन, आइंस्टाइन गुणांक, इन तीनों के बीच में आप संबंध स्थापित करेंगे, एक रिलेशन सेटअप करेंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें इन तीनों के बीच में एक रिलेशन हो, और ये जो है तो एग्जाम में इस तरीके से भी आता है कि आइंस्टाइन गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशियंट्स, तो इन तीनों के बीच में अपने को रिलेशन सेटअप करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी तक इतनी बात समझ में आ गई ना कि लेजर लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, लेजर लाइट एक्चुअल में स्टिमुलेटेड एमिशन से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर जो लाइट मिलती है ये इन दोनों का जो ये दोनों जो लाइट होती है वो कोहरेंट लाइट होती है, कोहरेंट मतलब कला संबद्ध, और वो कला संबद्ध होने की वजह से ये कैसी होगी, लेजर लाइट है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा उतना ही ज़्यादा लेजर लाइट मिलने वाला है अपने को, क्लियर, ठीक है। चलिए भैया इसको यहीं पे हम लोग फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में रिलेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, वो अपना टास्क रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का, ठीक है, चलो ओके।